जय माता दी। आप सभी दोस्तों को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों आज इस पोस्ट में जानेंगे चैत्र नवरात्रि व्रत पारण की जानकारी, जानेंगे पारण का दिन और समय, इसके साथ ही जानेंगे पारण की विधि के साथ पारण के नियम भी। नवरात्रि का पर्व इस समय चल रहा है और माता दुर्गा के भक्त बड़ी संख्या में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके व्रत करते हैं। कुछ लोग 9 दिन का व्रत करते हैं तो कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पारण चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। इस दिन 9 दिनों तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि समाप्त हो जाती है। पारण मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में बहुत मतभेद है कि पारण 9वीं को होगा या 10वीं को। मीमांस जिन्होंने शास्त्रों की व्याख्या की है उनके अनुसार पारण 10वीं को करना चाहिए, जबकि कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 9वीं को उपवास रखा जाता है। यदि 9वीं तिथि 2 दिन पड़ रही हो तब उस स्थिति में पहले दिन उपवास रखा जाएगा और दूसरे दिन पारण होगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। 9वीं तिथि के दिन पारण करना शास्त्र संगत नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान 9वीं की रात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन माता दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन कई लोग जो अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा कर 9वीं की सुबह पूजा और हवन कर व्रत खोल देते हैं, जो सही नहीं है। दुत्साचार्य जी ने आगे बताया कि 9वीं की रात्रि को भी अवश्य व्रत रखना चाहिए और 10वीं की सुबह ही व्रत खोलने से मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे में नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखने वाले लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो विजयदशमी को ही व्रत खोलें। तो ये थी शास्त्रों की बात और अब जानते हैं 9वीं तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, क्योंकि व्रत खोलने का समय 9वीं तिथि पर ही निर्भर करता है, तो इसका समय नोट कर लें। 9वीं तिथि का आरंभ होगा 16 अप्रैल को दोपहर में 1:23 पर और 9वीं तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल को दोपहर में 3:14 पर। चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण तब होता है जब 9वीं तिथि समाप्त हो जाती है और 10वीं तिथि को प्राथमिकता मिलती है। सही समय पर अनुष्ठान करने के लिए समय का ध्यान रखें। चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण का समय और दिन नोट कर लें। चैत्र नवरात्रि पारण का दिन है बुधवार और डेट है 17 अप्रैल 2024। चैत्र नवरात्रि व्रत पारण का समय रहेगा 3:16 और 24 सेकंड के बाद ही चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। और अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि व्रत पारण की विधि क्या है, किस तरह से इसका पारण करना चाहिए। बता दें कि जिन लोगों ने 9 दिनों तक व्रत रखे हैं वो चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर हवन करें। साथ ही कलश स्थापना के दिन जो ज्वारे बोए थे उन्हें नदी में प्रवाहित करें। हवन और ज्वारे विसर्जन के बाद ही अन्न ग्रहण करें, नहीं तो 9 दिन की पूजा निष्फल हो सकती है। इसके साथ ही नवरात्रि का व्रत पारण कन्या पूजन के बाद ही करना अधिक शुभ माना जाता है। जिस दिन व्रत खोलना है उस दिन 9 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें हलवा पूरी खीर चने का भोजन कराएं और दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलें। शास्त्रों के अनुसार व्रत के पारण में सात्विक भोजन ही करें। माता के प्रसाद के लिए जो भोग बनाया है उसे ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए, तभी आपका व्रत पूरा होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो लोग सभी नियमों का पालन करते हैं उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि व्रत पारण की विधि और अब ये जानते हैं व्रत पारण क्या खा करके करना चाहिए। दुत्साचार्य जी के अनुसार माँ को चढ़ाए अच्छे से व्रत तोड़ने पर अच्छे वरदान का फल मिलता है। दुत्साचार्य जी ने बताया कि नवरात्रि का व्रत रखने के बाद सीधे सीधे नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि व्रत खोलने के लिए हलवा मालपुआ का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसके अलावा नवमी की तिथि को माँ दुर्गा को लगाए गए महाप्रसाद से व्रत खोलना सबसे उचित रहता है। उन्होंने बताया कि अगर नवरात्रि के व्रत के बाद माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करनी हो तो लोगों को चाहिए कि वो माता दुर्गा को चढ़ाए गए अच्छे से व्रत तोड़े। ऐसा करने से अच्छे वरदान की प्राप्ति होती है। आप भी माता दुर्गा को चढ़ाए अच्छे से व्रत खोलकर अच्छे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए माता के चरण पर चढ़ाया गया अक्षत और दही चीनी का सेवन करना चाहिए। तत्पश्चात मालपुआ हलवा या कोई भी चीज़ जो आपके पास उपलब्ध हो उसे व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद ही उन्हें अन्न का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि व्रत पारण करते समय दिशा का ध्यान भी रखना जरूरी है। दूसराचार्य जी ने बताया कि व्रत खोलने के लिए माता के भक्तों को कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर कलश स्थापना कर माता की पूजा अर्चना की जा रही है भक्तों को वहीं पर पूर्व दिशा में बैठकर व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी चैत नवरात्रि व्रत पारण की। शास्त्रों के अनुसार आपने जाना व्रत कब कैसे और कहाँ खोलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ माता के भक्तों को इस जानकारी से लाभ मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर देवी भगवती माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार मेरी राधे राधे और चैत नवरात्रि पर की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारी प्रॉब्लम को समझकर हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।